25 नवंबर को पूरे क्षेत्र में देवोत्थान एकादशी मनाई जा रही है। ये त्योहार बुंदेलखंड क्षेत्र में छोटी दीपावली या ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तुलसी विवाह समारोह आयोजित किया जाता है। तुलसी विवाह समारोह आयोजित करने में इस मौसम की समस्त नई फसलों का पूजन होता है। विशेष तौर पर गन्ना का मंडप बनाया जाता है और उस मंडप के नीचे तुलसी विवाह संपन्न होता है। इसके अलावा इस सीजन में आने वाली सभी फल और दलहन या तिलहनों का तथा अनाजों का पूजन भी होता है। यही वजह है कि बाजार में गन्ने के स्टॉल और इसके अलावा इस सीजन की आने वाली सभी फसलों की छोटी छोटी दुकानें गांव से आए हुए दुकानदार लगाए रहते हैं। कम से कम 10-12 तरह की ऐसी फसलें हैं जो कि इस मौसम में आती हैं, उनको लेकर दुकानदार अपनी दुकानें सजाए बैठे थे और पूरे दिन भर ही मार्केट में चहल पहल देखी गई। आज 11 की पूजा होती है। हम भारत देश है, हमारा मतलब भारत देश में 11 की पूजा होती है, तो हम सारा सामान लगाते हैं और आज ही बस हम सारा सामान लगाते हैं वहाँ की। हम कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे हैं महाराजा कॉलेज से और हमारे खेत पे हमारे यहाँ 11 की पूरी मतलब पूरी सामग्री रहती है, जैसे बेर, मकुनिया, औरा, कचरिया, छीता फल, फूल, औरा, कचरिया, दूबा, तो मतलब 11 पूजा की सारी सामग्री हमारे यहाँ मिलती है। जी, सारी सामग्री हमारे यहाँ मिलती है और हम अपने खेत से एकत्रित करते हैं और मात्र 11 को ही यह त्यौहार अच्छे से मनाते हैं। आज जो है 11 का पर्व है, आज जो है भगवान जी का विवाह होता है, देव उठ जाते हैं आज से। इनकी दुकान पे सारा सामान मिलता है, राजेंद्र की दुकान है, कई सालों से लगाते हैं। नहीं, कोई स्थान कहीं नहीं मिला तो बोले चाचा हम आपके यहाँ रख लें, रख लो बेटा हमारा। इनकी दुकान में सब कुछ है, कचरियाँ, औरा, सीताफल, मकुइया, बेर, मूंगफली, चना की भाजी, आम के मोर, इतने बाजरा की कोसें, मतलब जो भी सामान लगता है पूरा सामान मिलता है यहाँ पर।